मुझे मेरा मेष राशि वाले फ्रेंड्स के लिए तो नमस्कार, मैं हूँ उषा रावल। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल एस्ट्रोनॉमी। आज का वीडियो है कि जो गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है वृषभ राशि में, यह 1 मई 2024 को से स्टार्ट होगा और 14 मई 2025 तक रहेगा। तो इसका व्यक्ति के जीवन मेष राशि वालों वाले जो जातक हैं और फ्रेंड्स हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए देखते हैं कि इनमें मेष राशि पर जो गुरु का परिवर्तन है यह 1 नंबर से उनकी राशि शुरू होती है और गुरु का परिवर्तन सेकंड हाउस में होने वाला है। सेकंड हाउस आपके धन का, कुटुंब का, वाणी का है, यानी धन में 50% असर ससुराल से 50% बनेगी आपकी और वाणी में भी कभी कभी कटु वचन कभी कभी मधुर वचन आप बोलेंगे। इसकी 3 दृष्टियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 पांचवी दृष्टि और नवी दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, बिल्कुल अमृत के समान फल देती है। तो आप देखो 6ठी दृष्टि है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेंगे। ऋण आप ले सकते हैं, बढ़ाए जहाँ देखते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। ऋण कर्ज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। हेल्थ पे इशू आ सकता है, हेल्थ में दिक्कत हो सकती है, इशू पड़ेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और रिसर्च कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप जो कोई घटना होती है तो उससे आपको ये जरूर बताएंगे। 10th हाउस पे दृष्टि है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है आपके लिए कि आपके पिता का घर प्लस कर्म का घर काम, पिता से संबंध अच्छे बने होने लग जाएंगे और काम के अगर नहीं चल रहा है तो काम चलने लग जाएगा। अगर आपका धंधा पानी रुका हुआ था, नहीं चल रहा था, तो बिजनेस चलने लग जाएगा और काम नहीं है तो काम बिल्कुल आपको मिलेगा। तो ये 3 दृष्टियाँ हैं, इसमें गुरु का इफेक्ट पड़ेगा। मेरे वीडियो यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, मेरा उत्साह वर्जन करेंगे तो ही मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बार बार लेके आऊँगी और फ्री कुंडली विश्लेषण चाहतों के लिए। मेरी ये है कि आप कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। समस्या से जुड़ा सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9557587928। देखो फ्यूचर में हमें पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो उससे हमें उस समस्या से निपटारा हम कर सकते हैं।